तो बच्चों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को कहते हैं नरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच यानी वक्ता जो है, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को जो का जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, वही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसको हम यहां लिखेंगे वक्ता, वक्ता मीन्स स्पीकर, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को, कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह से ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लिखना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही सैड मोहन इज अ प्लेयर, देख रहे ही सैड लिखा है, स्पीकर ये रहा, स्पीकर ये है, इसने जो भी बात कही है वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है, पूरी बात इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है, और जितना ये इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यही है डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहां पर नीचे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसके पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स हम देखेंगे। नंबर वन रिपोर्टर, नंबर टू रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर तीसरा रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए तीन बार सामने, इसी का नाम है रिपोर्टर, और ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रहा डायरेक्ट स्पीच, ये होते हैं तीन बार। इसी का नाम है रिपोर्टर, इसको स्पीकर भी कहते हैं, यही है रिपोर्टर, यही है स्पीकर, और यही इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तीनों नाम में से कोई भी आप कह सकते हैं, यही रिपोर्टर है और यही है स्पीकर और यही है इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। इसने जो भी बात कही है वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज की गई है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। नाउ Now we can see indirect speech. अब हम देखेंगे indirect speech क्या है, indirect speech क्या है, वक्ता के कहे गए
कहे गए शब्दों शब्दों को अपने अपने शब्दों में प्रकट करना अपने शब्दों में प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच ये रहा, वक्ता के जो शब्द कहे गए हैं उसे जब हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है एग्जाम्पल यहाँ लिया था हमने ही सैड वाला, ही सैड मोहन प्लेयर उसी को हम बनाएंगे ही सैड दैट, अपने वर्ड्स में कहना है ही सैड दैट मोहन वॉज ए प्लेयर। ये है इनडायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए ये तो हो गई डेफिनेशन, अब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम सीखने हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, ये देखो। अब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना कैसे है वो हम कुछ रूल्स हैं उनका पहले ध्यान करेंगे। नंबर वन, कंजंक्शन दैट, पहला बार देखा हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। कॉमा व इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए, फर्स्ट व सेकेंड पर्सन को बदल देते हैं। फर्स्ट व सेकेंड पर्सन को बदल देते हैं। नंबर फोर पॉइंट में देखिए, आवश्यकता अनुसार टेंसेस में भी परिवर्तन करते हैं।
ये कुछ है महत्वपूर्ण बातें, एक दो तीन चार, चार पॉइंट बताए गए। अब आगे देखेंगे हम, नहीं हो गया, अब आगे देखिए। अब आगे हम देखेंगे टेंस, टेंस परिवर्तन और पर्सन का परिवर्तन, टेंस और परिवर्तन और टेंस और पर्सन हमें बदलने होते हैं। पर्सन देख लीजिए, पहले हम देखेंगे पर्सन और ये होते हैं थ्री, दे आर थ्री। नंबर वन फर्स्ट पर्सन, टू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड, थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन हुए। अब तीनों में से ये जो दो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, वी हैव टू चेंज देम। अब टेबल देखिए कैसे बदलना है। यहाँ पर हम एक टेबल देख रहे हैं पर्सन की, यहाँ देखें पर्सन कॉलम बनाएंगे, हम पर कॉलम बनाएंगे, पर्सन हो गया सब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट एंड पोजेशन, चार कॉलम रहेंगे, चार कॉलम बन गए, ये देखिए ये चार कॉलम बन गए हैं। पर्सन था हमारा फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में देखिए आई एंड बी दो आते हैं, ये सिंगुलर में और ये रहा प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर ये, प्लूरल वी। आई का ऑब्जेक्ट लिखेंगे वी और पोजेशन लिखेंगे माय एंड माय, माय एंड माय। वी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे अस, पोजेशन लिखेंगे आर एंड अस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे। देन सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में देखिए सब्जेक्ट यू एंड देन ऑब्जेक्ट आल्सो यू एंड देन पोजेशन योर एंड योर्स, योर एंड योर्स, देन ड्राई लाइन, देन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखेंगे, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे, ही सी इट एंड दे। ही का ऑब्जेक्ट देखेंगे हिम और पोजेशन में है शी का ऑब्जेक्ट है, पोजेशन हर एंड हर्स, इट का ऑब्जेक्ट इट और पोजेशन इट्स, दे का ऑब्जेक्ट देम एंड पोजेशन में दे एंड वो, पोजेशन में देयर एंड देयर्स। ये देखिए ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। शी हेम को ही हेम हेज, शी हर हर एंड हर्स, इट इट इट्स, दे देम देयर एंड देयर्स। ये टेबल हमें लर्न करनी है। अब आपको बताया गया है कि आपको यू हैव टू चेंज द पर्संस, और कौन से पर्सन साथ में निकल रहे, कौन से फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, वी विल चेंज फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन और तीनों कॉलम
वी विल चेंज द पर्संस ऑफ थ्री कॉलम्स. देखिए सब्जेक्ट भी चेंज करना है, ऑब्जेक्ट भी और पजेसिव भी चेंज करना है, तीनों को बदलना है. ये ध्यान रखना है तीनों कॉलम में जो पर्संस दिए गए हैं वो हमें चेंज करने होंगे. बाकी क्या है, ये आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन के तीनों कॉलम में जितने भी दिए हैं वी हैव नॉट टू चेंज देम, इन्हें हमें चेंज नहीं करना है. इन तीनों कॉलम के जो दिए गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव हैं कहीं भी यदि स्पीच में आएंगे उन्हें आपको चेंज नहीं करना है. आगे का ये पोर्शन कल पढ़ाया जाएगा.